ये पीटर गॉफ का ग्रैंड कैस्केड और सैमसन फाउंटेन देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। पीछे पैलेस आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा खूबसूरत, अद्भुत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रितेश परिहार, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं सैंट पीटर्सबर्ग से पीटर गॉफ की तरफ जा रहा हूँ, जो एक बस के द्वारा ये जर्नी मेरी कंप्लीट होगी और मुझे करीब करीब 1.5 घंटे लगेंगे। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो पीटर गॉफ जाने के लिए कई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। आप बस से भी जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सीज हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं और वाटरवे स्टीमर से भी आप जा सकते हैं। और तो मैंने एक टूर बुक किया और वहाँ पे 2200 रूबल पर पर्सन है और 1.5 घंटे में ये जर्नी पूरी होगी। करीब करीब 2 या 2.5 घंटे पीटर हॉफ में रहेंगे और वापस लौटेंगे, तो टोटल टाइम इसमें स्पेंड होगा मेरा 5 घंटे। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। देखिए ये सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कें, ये एक खूबसूरत इमारत दिखाई दे रही है, चारों तरफ बगीचे हैं। बस हमारी आगे बढ़ती हुई, दूर आपको एक खूबसूरत इमारत दिखाई दे रही है। देखिए ट्रैफिक सेंस कितना, हमें राइट टर्न लेना है तो स्टेट जाने वाले लोग रुक गए पहले, मतलब कल सिग्नल भी होगा। ट्रैफिक सेंस बहुत है यहाँ पे। ये दाहिनी तरफ एक खूबसूरत इमारत जो बड़ी अच्छी लग रही है। सड़कों पे आपको एकदम वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, देखिए ये दाहिनी तरफ आपको ट्रेन की पटरियां दिखाई दे रही हैं। अभी हम सैंट पीटर्सबर्ग शहर में सबर्न में हैं। धीरे धीरे हम शहर से बाहर की तरफ चलते हुए, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। अभी हम शहर के बाहर आ गए हैं। देखिए ट्रेन की पटरी हमारी बस के साथ दौड़ती हुई वो अंदर के शहर की तरफ चली गई। ये आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, उसके किनारे आपको कुछ लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे अब हम सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर आ गए और पीटर हॉफ की तरफ चल चुके। तो पीटर हॉफ मीन्स पीटर्स कोर्ट, जिसे पीटर द ग्रेट ने बनवाया था। वो 1717 में जब फ्रांस गया तो वहाँ के जो पैलेस और गार्डन्स थे उसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ और रशिया लौट के सेंट पीटर्सबर्ग के पास उसने पीटर हॉफ बनवाया। तो यहाँ के पैलेसेस और गार्डन्स बड़े खूबसूरत हैं। तो देखिए चलते हैं हम लोग। ये एक खूबसूरत इमारत देखिए, बड़ी अच्छी लग रही है। ये भी एक इमारत है, ये शायद यूनिवर्सिटीज है या कोई स्टडी का है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। आपको हर थोड़ी दूर पे कुछ इमारतें मिलेंगी, बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी। देखिए एक ये खूबसूरत इमारत और आगे, और अब ये मेरे राइट साइड में कोस्तांतिनोव्स के पैलेस है जो लोकेटेड है पेट्रोदोरिट्स डिस्ट्रिक्ट में, जिसे पीटर द फर्स्ट ने 1720 में बनवाना शुरू किया था अपने समर रेजिडेंस के लिए, लेकिन बाद में इसने इसको रोक दिया और पीटर हॉफ में उसने अपना रेजिडेंस बनाया और फाइनली ये प्रॉपर्टी ग्रैंड ड्यूक कोस्तांतिन पावलोविच के पास पहुँच गई, इसलिए इसको कोस्तांतिन
पैलेस बोला जाता है, अब प्रेजेंट में इसको द पैलेस ऑफ कांग्रेस बोला जाता है। इसका स्टेटस सिमिलर व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका की इक्वल है। अब हम ये शहर में धीरे धीरे अंदर एंटर होते हुए, ये देखिए सड़कें हैं, टीचर को धीरे धीरे नज़दीक आता हुआ, चारों तरफ आपको खूबसूरत इमारतें दिखाई दे रही हैं। देखिए मेरे राइट हैंड साइड भी कोई बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत पीले रंग की, जो बड़ी अच्छी लग रही है। मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, धूप खिली हुई है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए एक एक और एक खूबसूरत इमारत, मेरे ख्याल शायद कोई महल या जो रॉयल फैमिलीज थी उनका रेजिडेंशियल यूनिट है कोई। अब हम फाइनली पीचर हाउस में आ चुके हैं, मौसम बड़ा सुहावना है, तो धीरे धीरे हम पीचर हाउस की तरफ बढ़ते हुए, तो फाइनली हम पीचर हाउस पैलेस और गार्डन के पास आ चुके हैं। देखिए इमारत इसकी, ये टिकट विंडो है जहाँ से आप टिकट खरीदेंगे और अंदर की तरफ आप एंट्री देंगे। वो देखिए गेट दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी, वहाँ से आप होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ की इमारतें, इमारत एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको, पीले रंग की खूबसूरत इमारत। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। तो अब हम ये पीटर हॉफ गार्डन्स में आ गए। गार्डन दो हिस्सों में डिवाइड है, अपर पार्क और लोअर गार्डन। तो ये हम अपर गार्डन में है और नीचे लोअर गार्डन में आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रैंड कैस्केड और सैमसन वेरी फेमस फाउंटेन इन द पीटर हॉफ है। और ये जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है, इससे होता हुआ पानी गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाता है। ये देखिए सैमसन फाउंटेन, और ये आपको रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हम धीरे धीरे लोअर पार्क की तरफ उतरते हुए, मेरे लेफ्ट साइड में ग्रैंड कैस्केड है। तो ग्रैंड कैस्केड में 7 स्टेप्स हैं, किसे स्टेयर्स हैं, 2 स्टेयर्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और उन स्टेयर्स के दोनों तरफ चारों तरफ आपको ये फाउंटेन्स दिखाई दे रहे होंगे, जो 64 फाउंटेन्स ऑल टुगेदर। नीचे एक पूल है, पूल में सैमसन फाउंटेन है, और आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारे स्कल्पचर्स दिखाई दे रहे होंगे, जो 225 स्कल्पचर्स ऑल टुगेदर। पीछे वो पीचर हॉफ पैलेस, देखिए फुहारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सैमसन फाउंटेन स्कल्पचर ग्रुप कॉल्ड सैमसन कियरिंग द लॉन्स माउथ, 8 डॉल्फिन प्लेस अराउंड द सैमसन। और ये जो फुहारा शेयर के मुंह से निकल रहा है वो करीब करीब 60 फुट तक जाता है ऊपर। और ये जो डॉल्फिन हैं, देखिए डॉल्फिन के में से भी फाउंटेन निकल रहा है, ये करीब करीब 60 फुट ज़्यादा हुआ फाउंटेन का स्ट्रीम, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है देखिए। और ये ग्रैंड कैस्केड को दूर से दिखा रहा हूँ, देखिए स्कल्पचर से ये फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है। और ये पूल, पूल में से ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है, ये कैनाल जो बताया आपको, ये एले कैनाल से होता हुआ ये गल्फ ऑफ फिनलैंड गल्फ में चला जाएगा ना यहाँ से ये पूरा। और ये जो चर्च की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वॉज सर्व्ड एज द कोर्ट चर्च, और ये 1741 से 1751 के बीच बना था, जिसे एम्प्रेस एलिजाबेथ पेट्रानोवा ने बनवाया था। और ये खूबसूरत फुहारा देखिए, एंड द चर्च वॉज कॉन्सिक्रेटेड इन 10 सितंबर 1751। द कोर्ट चर्च विटनेस मैनी फैमिली सेलिब्रेशन ऑफ रोमानोव फैमिली। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ये देखिए खूबसूरत पार्क जहाँ पे आपको काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार मेंटेनेंस होता रहता है गार्डन में चारों तरफ। ये देखिए पानी जो फाउंटेन से आ रहा है, आता हुआ वह अंदर कहीं चला जा रहा है, जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है देख के। वो देखिए ऊपर अपर गार्डन, और ये लंबे लंबे विशाल का पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं हरे भरे,
ऊपर आकाश में सूरज और आसमानी रंग का आकाश, बड़ा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ देख के। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए ये ग्रीन हाउस बिल्डिंग है जो येलो कलर की सेमी सर्कुलर है, और इसके ठीक सामने एक बड़ा खूबसूरत पार्क है जो ओवरसीज फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैं, इसको जिसके लिए ग्रीन हाउस की ज़रूरत थी, क्योंकि जो सीडलिंग्स हुआ करते थे और जो फ्रूट्स होते थे उनको स्टोरेज किया जाता था विंटर्स में। ये देखिए चारों तरफ खूबसूरत आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो सेमी सर्कुलर बिल्डिंग है ये पौधों को प्रोटेक्ट करती थी जो सदर्न प्लांट से, कि नॉर्थ बाल्टिक सी से जो विंड आती थी उससे बचाती थी। ये देखिए खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, तो इसी पर्पज़ से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। ये देखिए जो पार्क बता रहा हूँ ग्रीन हाउस बिल्डिंग के ठीक सामने, उसमें आपको खूब ढेर सारे ट्यूलिप्स दिखाई दे रहे होंगे। तो मेन डेकोरेटिव प्लांट इस पार्क का जो है वो ट्यूलिप है, जो पीचर वन को बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था, और वो इसको काफ़ी ढेर सारे ट्यूलिप्स उसने यहाँ पे लगा रखे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ग्रीन हाउस बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे 1954 में फिर रिस्टोर किया गया। यहाँ पे देखिए खूबसूरत फाउंटेन है, और ग्रीन हाउस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट ट्रिटॉन फाउंटेन है, ट्रिटॉन फियरिंग द माउथ ऑफ सी मॉन्स्टर, और ये जो है सिंबल्स है कि विक्ट्री ऑफ रशियन फ्लीट ओवर द स्वीडिश स्क्वाड्रन इन द बैटल ऑफ गोंगट 1714। और ये देखिए चार टर्टल आपको दिखाई दे रहे हैं जो भागते हुए डिफरेंट। तो मैं पीटर हॉफ में हूँ, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। दरअसल ये समर पैलेस है पीटर द ग्रेट का, खूबसूरत फाउंटेन्स हैं, बड़ा खूबसूरत पार्क है, चारों तरफ अच्छा नज़ारा है। तो देखते रहिए आप मेरे साथ इस नज़ारे को। ग्रीन हाउस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट जो गार्डन है उसमें आपको बहुत ही सारे ट्यूलिप्स दिखाई दे रहे होंगे रंग बिरंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि पीटर द ग्रेट का फेवरेट फ्लावर था ट्यूलिप, तो आपको रंग बिरंगे ट्यूलिप दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे जो ट्यूलिप मंगाए जाते हैं वो हॉलैंड से इम्पोर्ट किए जाते हैं। सच में बड़ा खूबसूरत प्लेस है। सेंट पीटर्सबर्ग आइए तो एक बार पीटर हॉफ ज़रूर आइए, इंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा सीनरी, बहुत अच्छे गार्डन, बहुत खूबसूरत है, और फाउंटेन्स बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो आइए एक बार और ज़रूर पीटर हॉफ आइए और उसको फुल एंजॉय करिए। ये रोमन फाउंटेन्स हैं जो दो हैं, और बिल्कुल सेम डिज़ाइन एंड डेकोरेशन है। रोमन फाउंटेन इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये फाउंटेन इन द कंपोजिशन रिजेंबल्स विद स्टोन वाटर कैनन इन रोम ऑन द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ सेंट पीटर्स कैथीड्रल। हर फाउंटेन में 4-5 वाटर कैनन्स हैं, और खूबसूरत देखिए चारों तरफ बगीचा, दोनों फुहारे। मैं कैमरा घुमाता हूँ, अच्छी खासी धूप, काफ़ी ढेर सारे लोग हैं चारों तरफ। ये रुइन कास्केट, ड्रैगन माउंटेन, चेस माउंटेन, यह रशियन में कास्केट शाक मातमिया गोरा के नाम से जाना जाता है, इज लोकेटेड ऑन द नेचुरल स्लोप ऑफ द लोअर पार्क। फाउंटेन का अपर पार्ट मेड इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन पीक, और वहाँ पे देखिए आपको तीन ड्रैगन दिखाई दे रहे होंगे विंग, जिनके मुंह से ये पानी आता है और नीचे आके देखिए ये एक पूल में गिरता है। तो वाटरफॉल पे चार स्लोप्स बने हुए हैं, नीचे पूल में आके पानी गिरता है, और इसका जो फ्लोर है वो ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स के पैटर्न में बना हुआ है, इसलिए इसे चेस माउंटेन या शार्क मार्कनिया गोरा बोलते हैं। ये इसके दोनों तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, और ये देखिए स्लोप से ये ऊपर देखिए आपको जो ड्रैगन बता रहा था वो तीन ड्रैगन हैं, पानी वहाँ से नीचे आता हुआ
और ये देखिए कर्डिन जैसा इम्प्रेशन बनाता है, ये पानी पूल में इकट्ठा हो जाता है और ये सीढ़ियों के दोनों तरफ 10 एंशिएंट गॉड्स के स्कल्पचर्स हैं, तो 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ हैं। तो ये देखिए 5 स्टैचूज इस तरफ हैं और 5 स्टैचूज इस तरफ हैं। और जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इन स्टैचूज को ज़मीन के अंदर बरीद कर दिया गया था और जब रिस्टोरेशन हुआ तो इनको दोबारा यहाँ पे लगा दिया गया। ये रोमन फाउंटेन फिर देखिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कहीं और धीरे धीरे चलते हुए। देखिए खूबसूरत नज़ारा, रोमन फाउंटेन बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से खिली हुई धूप में देखने में। ये देखिए एक पक्षी बैठा हुआ है कैमरे के ऊपर, निगरानी कर रहा है सब लोगों की, लोग की लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सड़क जो फाउंटेन फायर क्रैकर वाटर रोड या ठीक फाउंटेन वाटर रोड के नाम से जानी जाती है, जिसे पीटर द ग्रेट के आइडियाज पर बनाया गया था 1721 में। यहाँ पे दोनों साइड 300 के करीब जेट्स लगे हैं जो चलते हैं, तो एक कर्व आर्क फॉर्म होता है जिसके नीचे से जब लोग गुजरते हैं तो वो पानी में पूरा भीग जाते हैं। और ये देखिए जो जेट्स बता रहा था, और ये समर्स में एक एक मिनट के लिए दिन में 3 बार चलते हैं, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। तो देखिए ये धीरे धीरे पानी इसमें से निकल रहा है, तो ये जेट्स चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इसमें। अब हम मोनोप्लासिर पैलेस की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे मोनोप्लासिर पैलेस कैथरीन बिल्डिंग्स एंड बाथ बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है इन द शेप ऑफ लेटर पी। तो मोनोप्लासिर इज़ लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द गल्फ ऑफ फिनलैंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लोअर पार्क। तो ये देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो आपको बिल्डिंग्स बता रहा था, देखिए चारों तरफ पेड़ अच्छे खासे। ये मोनोप्लासिर के ठीक सामने गार्डन आपको दिखाई दे रहा है। ये ठीक सामने मेरे मोनोप्लासिर पैलेस है जो 1714 से 1723 में बना था। ये कैथरीन बिल्डिंग है जो 1747 से 1749 में बनी थी। और मोनोप्लासिर के ठीक बगल में ये देखिए बाथ बिल्डिंग है विच इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स फॉर सेरिमोनियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। और कैथरीन बिल्डिंग के ठीक सामने ये फाउंटेन फायर क्रैकर सोफाज और बेंचेस लोअर पार्क में सिचुएटेड हैं, जो दो बेंचेस इन द ओपन एयर लुक्स लाइक अ सोफ़ा है। ये फाउंटेन हिडन है और जिसे पीटर द ग्रेट के आइडियाज़ पे बनाया गया था कि रॉयल फैमिली के लोग जब शाम को इवनिंग में यहाँ पे आते थे और इस फाउंटेन पे जब पैर रखते थे, देखिए इस तरीके से, तो ये फायर स्टार्ट हो जाता था और वो लोग भीग जाते थे, तो एक फ़नी और कॉमिक मोमेंट हो जाता था, तो इंटरटेनमेंट होता था पीटर द ग्रेट का, इस पर्पज़ से इसको बनाया गया था। तो ये मोनोप्लासिर से हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे गल्फ ऑफ फिनलैंड की तरफ जाते हुए अब वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए पार्क से निकलते हुए तो देखिए दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है पार्क का और पीटर हाउस का। आइए अच्छी तरीके चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए कहाँ जा रहे हैं। मौसम काफी सुहावना है आज, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है जो बाल्टिक सी में है, ये नॉर्थ में फिनलैंड को टच करती है, साउथ में एस्टोनिया और ईस्ट में सैंट पीटर्सबर्ग को टच करती है, जहाँ पे नेवा नदी आके इसमें मिल जाती है। तो ये खूबसूरत नीले रंग का जल देखिए, ये इतना ठंडा पानी होता है कि आप गर्मियों में भी इसमें स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, एकदम ठंड के मारे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, जम जाएंगे, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे। और देखिए नीला जल और आसमानी आकाश, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये।
आपको दिखाता हुआ गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये देखिए इसमें कुछ सीगुल्स उड़ते हुए, एक ये देखिए सीगुल आया मेरे कैमरे की रेंज में आने की लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको। देखिए आ गया उड़ता हुआ, धीरे धीरे उसने लैंड किया और जाके ज़मीन में रुक गया, उतर गया। और भी कुछ सीगुल्स हैं जो आराम फरमा रहे हैं, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है खिली हुई धूप। ये लोअर पार्क का एक और खूबसूरत फाउंटेन एडम एंड ईव फाउंटेन। ये एडम का फाउंटेन है, लोकेटेड वेस्ट साइड ऑफ द कैनाल। ईस्ट साइड में ईव का फाउंटेन है जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, देखिए देखिए। तो ये कोर्ट चर्च, जैसे मैंने बताया था कि एलिजाबेथ पेट्रोनोना ने ग्रैंड पैलेस की ईस्टर्न बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया और उस पर 5 डोम्स बनाए अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोडॉक्स फेथ। और ये खूबसूरत चर्च बड़ा अच्छा लगता है जो देखिए। और हाँ, अगर आप पीटर गॉफ एक्सकर्शन पर आते हैं तो ये मान के चलिए यहाँ पे पार्क है, म्यूजियम है, तो आपको पूरा एक दिन चाहिए। सो वैसे आए ये यहाँ पे पार्क देखिए, फाउंटेन देखिए और म्यूजियम भी देखिए, पूरा दिन लगेगा क्योंकि मैं पीटर को यहाँ से आने में 1 घंटा लग गया था बस से। और आप यहाँ पे भी टेंशन तो पूरा एक दिन निकल के आइएगा यहाँ पे जब भी आना हो आपको। थैंक यू। तो पीटर गॉफ से अब हम चलते हैं और पीटर गॉफ को बाद में कर लीजिए नेक्स्ट विजिट जब भी हमारी हो सेंट पीटर्सबर्ग में। तो मैं चाहता हूँ किसी नया वीडियो में मुलाकात हुई हमारे। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं नए नए वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।